बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह अच्छा रखो सबको, हमको हिदायत दो, नमाजी बना दो, ए दिन सिरात अल मुस्तकीम पे चलाओ, ये बीमारी से बचाओ, आजमाइश से बचाओ या रब्बुल आलमीन, आमीन आमीन। ये देखिए आज खोपरे का लड्डू बना रही हूँ, कच्चा खोपरे का। एक नारियल फोड़ ली मैं, एक नारियल को 100 ग्राम गूड़ ली मैं, ऐसा काट लेना बारीक, काट लेके मिक्सी में डाल के बताती है। इलायची भी डालना है, ये घी बहुत इजी है, सिंपल है, बचपन में बहुत खाते थे हम लोग खरीद के, घर में भी बनता था, वो एक दरांती रहता था ऐसा, इसको रख के गोल फिराते तो अच्छा ब्रुकश के जैसा गिरता था, ब्रुकश भी कर ले सकते इसको ऐसा घस के, ये पीस कर बताती मैं। देखिए गुड़ डाल दी मैं कढ़ाई में, गुड़ डूबे उतना पानी डाली, एक थार के उतना वो आना शीरा, शीरा छांचनी बन गए बस, ये ग्राइंड कर ली मैं, शीरा बन गए बाद मैं बता दी। देखिए एक थार आने तक का शीरा बन गया मेरा, रखी थी, उसके बाद खोपरा डाल दी, अच्छा सा थोड़ा सूखने तक का भून लेती। देखिए सूख गए, अच्छा ड्राई हो गए, ऐसा ड्राई होने तक का भून लेना, नीचे चिपक रहा, देखिए वो चमचा से की करके ले सकते अपन। अब ये गरम है, ठंडा होने के बाद लड्डू बनाते होकर दिखाती मैं, ओके। देखिए ठंडा हो गए, घी लगा लेना हाथ को, दो हाथों से बनाते हैं, मैं एक हाथ से आपको बना के ट्राई कर रही हूँ, ऐसा गोल गोल बना लेना है। बिस्मिल्लाह, इसमें चाहे तो आप बादाम भी डाल ले सकते हैं, आपकी जितना चाहिए साइज उतना बना लीजिए, बड़ा हो या छोटा हो। ऐसा तेल लगा लेना हाथ को, घी लगा लेना, सब बना के बताती, ओके। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर रेडी है मेरा हेल्दी लड्डू। बचपन में हम लोग यही खा के जीते थे, 10 पैसे में 4 आने में मिलता था, बहुत हेल्दी लड्डू है। एक खाली में एक नारियल के 12 बने, ये 11 बचे। अब बच्चे पता नहीं खाते नहीं खाते, अपन ही खाना पड़ता, अपने को ताकत होना पड़ता, इम्यूनिटी बढ़ने के वास्ते अपन ही सब खाना है। खोपरा जो है सो कमर के लिए ताकत है, गुड़ में आयरन मिलता अपने को। देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है पकवाना, पकाने का काम आसान है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, आपको पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स में रिलेशन में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार बना के यूं करिए, नहीं तो यूं करिए, ओके। जजाकल्ला।